हेलो दोस्तों, तो चलिए इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल के बारे में। सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है? विराट गुप्ता के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसलिए भी ये आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राज्यों की सीमाबंदी के जाल से कैसे अनलॉक हो अर्थव्यवस्था? राज्य सरकारें मनमाने ढंग से अपनी सीमाएं सील कर रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। जितनी कसर थी अर्थव्यवस्था में, उतनी कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। उसके बाद जितनी बची हुई है वो राज्य सरकारें भी पूरी कर देंगी। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी, महाभारत के प्रसंग में महादानी कर्ण की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां कोई पाप ना हुआ। पूरी धरती में ऐसा स्थान ना मिलने पर करण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण के कर कमलों में हुआ। समझ रहे हैं इस लाइन को? अभी कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि हम इतने गिर चुके हैं हमारी इंसानियत कि हम भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए मास्क लगा रहे हैं। मास्क तो एक बहाना है, हकीकत तो यह है कि हम भगवान को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। आप देख रहे हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम किस तरह से जी रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इस लाइन में कितना अच्छी बात कही गई है। किस कलयुग में चीन ने कोरोना के पाप से पूरी धरती को हलाकान कर दिया, लेकिन मानवता को बचाने के लिए विराट कृष्ण नहीं है। समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र व राज्य सरकारें विज्ञापनों में बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 50 लाख यानी कि 0.4% आबादी की टेस्टिंग करने में ही स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है। कितनी जनसंख्या है आपकी देश की? 135 करोड़, 140 50 करोड़ पहुंचने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। कई रिपोर्टें बताती हैं कि आपके 2030 तक आप चाइना को पछाड़ देंगे, आप पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगर 135 करोड़ जनसंख्या है, 50 लाख की अगर हम लोग टेस्टिंग करें तो क्या मतलब है? समझ रहे हैं? ये उसी हाल है कि आपका शरीर है पूरा, उसमें आप उंगली का टेस्ट करवा रहे हैं कि उंगली में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई यहाँ बीमारी तो नहीं हो गई है। तो वही हाल है हमारे देश का। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कोई, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब लिख रहे हैं इस आर्टिकल में। तो 135 करोड़ की जनसंख्या में आपके 50 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि उनके यहाँ ज्यादा मरीज इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो सक्सेस हैं, वो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और भारत और अन्य देशों के मामले में इसलिए ये कम टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए कम मरीज निकल रहे हैं। इसमें कोई आप दोहराया नहीं रख सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि हकीकत यही है। ठीक है, तो 50 लाख यानी कि अब तो आप रिपोर्ट देखने को मिल रही होगी न्यूज़पेपरों में कि जहां दिल्ली के आपके 7 से 8 हजार दिल्ली में टेस्टिंग होती थी, हर राज्य की यही हालत है, तो उसे घटाकर आपका पहले 4 हजार किया गया, अब 3 हजार और 2-3 हजार टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में भी। तो हर राज्य यही कर रहा है, टेस्टिंग घटा रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने कोई जंग नहीं जीती है इस पर, कोरोना पर मामला ये रहा है कि हम लोग टेस्टिंग घटाते जा रहे हैं। फिर भी टेस्टिंग घटाने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि 3 लाख के करीब आपके पहुंच चुके हैं केस, और इतनी भी 50 लाख टेस्टिंग करने में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये धज्जियां उड़ गई। जो पर्दा डला हुआ था, जो नेता आते थे और बड़ी बड़ी फेंकते रहते थे, उनकी सब दिख गई कि किसने क्या हुआ क्या। आदमी कई लोग बोलते रहते थे कि 2 साल तक बैठा के आप पूरे देश की आबादी को खिला सकते हैं, 2 महीने में मालूम चल गई औकात सबकी। समझ में आया? फिर आपका केंद्र और राज्य दोनों की झोली खाली होने के साथ लॉकडाउन के चक्रव्यूह से निकलने का संकल्प भी ढीला है। संकट से पल्ला झाड़ने के लिए नेताओं ने क्षेत्रवाद का कार्ड खेलकर दूसरे राज्यों पर तोहमत मढ़ने का खेल शुरू कर दिया। कश्मीर में परमिट राज खत्म होने के बाद अन्य राज्यों में सीमाबंदी करना भारतीय गणतंत्र के लिए बहुत दुखद है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण हमेशा रहे हैं,
इस समय हमारी जनता के साथ देखा है आपने कि कोई नेता आपका लूडो खेल रहा था, तो कोई रामायण देख रहा था, कोई महाभारत देख रहा था। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि शायद इस जगह अगर भगवान होते, श्री कृष्ण होते, फिर चाहे आपके श्री राम होते, वो घर में दुमक के नहीं बैठते, फिर चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना होती। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें भरोसा नहीं करना चाहिए इस तरह के नेताओं पर। नेता वो हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, पंडित आपके विवेकानंद साहब, सुभाष चंद्र बोस, जनता के लिए जान दे दिए, भगत सिंह, वो नेता हुआ करते थे। ये तो नेता के नाम पर बस अपनी रोटी सेंक रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में भूख प्यास से किसी की मौत नहीं हुई। समझ में आया आपको? यहाँ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में भूख प्यास से किसी की मौत नहीं हुई है, यानी कि सरकार फिर भी अपना पल्ला झाड़ रही है। मुजफ्फरनगर का मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपका फेसबुक पेज पर, उसमें आपने देखा होगा कि उसकी माँ की मौत हो जाती है, उस बच्चे की माँ की, रेलवे स्टेशन पर ही। वो बच्चा किस तरह से, उसे पता क्या होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो खींचता रहता है उसका चदरा ऊपर जो ओढ़े रहती है महिला। समझ रहे हैं? इतनी बुरी हालत है, फिर भी हमारी सरकार यहाँ से भी अपना पल्ला झाड़ चुकी है। टेस्टिंग में गड़बड़ झाले, और दूसरे अन्य राज्यों से मरने वाले काफी लोगों के बावजूद कोरोना सर्टिफाइड मौतों के आंकड़े बाजी में कोई झोल नहीं हो रहा है। ये आपकी केंद्र सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से। राजस्थान के भरतपुर में 11 साल के बच्चे के 14 बार टेस्ट हुए, जिसमें से 4 बार नेगेटिव परिणाम आया। देश में कोरोना की इस अजब केमिस्ट्री के बावजूद नौकरशाही के अंकगणित को यदि सही मान लिया जाए तो भारत में 15 से 20 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। करंट की हालत की बात चल रही, कितने, 15 से 20 करोड़। अभी आपका एक इंडियन नेशनल किसी पेपर में, आपके राष्ट्रीय नेशनल पेपर में निकला हुआ था कि अगर भारत की सही से जांच हो जाए तो 10 से 15 करोड़ कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग यहाँ हो नहीं रही है। आप सोचिए कि अगर 50 लाख टेस्ट किए गए, उनमें से अगर 3 लाख के करीब मरीज निकले, तो आप 135-140 करोड़ जनसंख्या का लगा सकते हैं आंकड़ा कि क्या हालत हुई होगी। ठीक है, आप इतने समझदार हैं यार, मतलब मत किसी को भक्ति की नजर से मत देखा करिएगा। आप खुद इतना देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि दूसरे के बनाए रास्तों पर आप चल तो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं उसके जरिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप भी इंसान है, आपकी भी सोच है, तो आप भी इसे देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम को ठीक करने की बजाय दिल्ली सरकार ने राजधानी में सामुदायिक संक्रमण का सियासी सिगुफा छेड़ दिया। सामुदायिक संक्रमण पर फैसला दे यदि केंद्र सरकार ले सकती है, तो फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों लोगों को भयकंपित करने का दुष्प्रयास क्यों किया? मनमाफी आंकड़ों से काल्पनिक संक्रमण के इस भयादोहन की शुरुआती नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टेंसी जैसी संस्थाओं ने की। सवाल यह भी है कि इन भयानक अनुमानों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने का निर्णय क्यों लिया? समझ में आया आपको? एक बात और है यहाँ कि कोरोना जब लॉकडाउन चल रहा था, उस समय आपने देखा होगा कि पार्टियां किस तरह से राजनीति की वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय को ठहराने लगी थी जिम्मेदार, तो इस तरह का चलता रहा। उन्हें आपके मरने से फर्क नहीं पड़ा है कि आप कितने मजदूर मरे हैं। कोरोना की छोड़िए, जो 100-200 से 250 लोग मरे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, उनकी जान का कोई मतलब नहीं रहा है। वो सिर्फ सरकारों की गलतियों से मरे हैं, फिर चाहे आपकी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। अगर उन्हें सलामत घर पहुंच जा देते, सही सलामत, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। चलिए, कोरोना की वजह से जो मरे हैं उनकी जान बचाना हमारे लिए बस की बात नहीं थी, लेकिन इन्हें तो बचाया जा सकता था, लेकिन वहां भी आप फेल हो चुके हैं। एक बात आप लोगों को हमेशा बोलता है कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको पूरा बैलेंस बनाकर लिखना है, केंद्र सरकार आपकी कितनी भी गलत क्यों ना हो,
कितनी भी बुरी क्यों ना, फिर भी आपको बैलेंस बनाकर लिखना है, वरना आप लटक जाएंगे। इसलिए आर्टिकल कुछ भी आए, बस उसमें से आपको सही पकड़ना है और लिखना है। पिछले कई सालों से फ्री की बंदरबांट से वोट हासिल करने की प्रवृत्ति से देश में लगभग 80 करोड़ आबादी सरकारी मदद पर आश्रित हो गई है। ये उसी की बात की जा रही है। आपने देखा होगा कि कहीं आप प्रशिक्षण स्वास्थ्य से और शिक्षा देने की बजाय क्या करते हैं कि माफ कर देते हैं, ऋण माफ कर देते हैं, किसानों की ऋण माफ कर देते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ नौकरशाहों के जटिल और विरोधाभासी आदेशों से बात से कानून दूसरी तरफ नौकरशाही के जटिल और विरोधाभासी आदेशों से कानून के शासन पर भी ग्रहण लग रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर जैसे विकसित महानगरों में मरीजों की टेस्टिंग और इलाज दोनों मुश्किल हैं। फिर गांव और कस्बों में बड़े इलाज की दावी करने और प्रतिबंध लगाने का क्या तुक है। ऐसी स्मार्ट सिटी में हलवाई की दुकान के सामने 1 करोड़ आदमी के बेहोश होने का पुराना किस्सा ज्यादा मौजूद दिख रहा है। पढ़े लिखे कई लोगों ने उस बेहोश आदमी को अस्पताल भेजकर बीपी, शुगर, मिर्च की मिर्गी की जांच, उपचार की सलाह दी, लेकिन वहां खड़े एक अनपढ़ देहाती ने अकादमिक बहस के को दरकिनार करते हुए पीड़ित व्यक्ति को पोहा और दही जलेबी खिलाकर चेतन कर दिया। उसी तरह अब देश के करोड़ों लोगों को क्वारंटाइन की यात्रा से मुक्ति के साथ रोजी रोटी का संविधानिक हक चाहिए, जिसके लिए गांव, जिले, राज्यों में कोई बाड़ेबंदी खत्म होनी चाहिए। ये बात वहीं की जा रही है। आपको याद हो कि ये हमारी स्मार्ट सिटी के बन रही है। कौन सी? फिर चाहे आपका अहमदाबाद हो, इंदौर हो, फिर दिल्ली, मुंबई, ये हालत आपकी स्मार्ट सिटियों की है। और सलाह देने वाले आप लोग देखते हैं कि कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो समस्या का निराकरण करने के लिए कोई नहीं आगे आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हालत है हमारे देश के युवाओं की, यानी कि हमारे देश के लोगों की। किसी मामले पर आप सलाह देने के लिए कह दीजिए तो तुरंत 50 टपक बैठते हैं। लॉकडाउन पर 50 लोगों से पूछिए, सबके पास शब्द होंगे, और उसके निपटारे के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें योगदान कोई नहीं देना चाहेगा। समझ रहे हैं आप? केंद्र सरकार की अनलॉक 1 गाइडलाइन के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा सीमाबंदी की मनमानी से जरूरी सामान की आपूर्ति, आवागमन के साथ काम धंधे का बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली NCR का संकट खत्म हुआ तो अब राजस्थान सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सीमाएं सील कर दी आपकी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एंट्री परमिट और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एग्जिट परमिट की नई व्यवस्था लागू करने के बयान दे डाले। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे हैं, इन्होंने एंट्री परमिट की बात की है। ठीक है, राज्यों में क्षेत्रवाद का कार्ड खेलने वाले केजरीवाल, योगी, उद्धव ठाकरे खुद भी दूसरों राज्यों से आए प्रवासी हैं। यानी कि फिर चाहे आपके योगी हो, योगी उत्तराखंड से आए हुए हैं, केजरीवाल आपके हरियाणा से आते हैं। समझ रहे हैं? ये सभी लोग बाहरी हैं, फिर भी बाहरी लोगों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। रोहिंग्याओं के हक की बात करने वाली दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आए लोगों के इलाज से मना कर दिया। अमेरिका में 50 राज्यों को संविधानिक सुरक्षा और विशिष्ट अधिकार मिले हैं, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में संसद की राज्यों को की सीमा बदलने और नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है। एक देश एक राशन कार्ड की बात जोरों पर रही, उसी तर्ज पर आयुष्मान भारत के तहत किसी भी राज्य में लोगों के इलाज के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए। समझ रहे हैं? एक देश एक कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी राज्य के हों, आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। ठीक है, चीन ने कोरोना के माध्यम से भारत की जनता में और सेना के माध्यम से भारत की सीमा पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, इसके बावजूद भारत का नाम बदलने वाली इस प्रतीकात्मक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने से सरकार के पास विचारात भेज दिया है। भाषा और नदियों के नाम पर राज्यों में पहले ही अनेक विवाद चल रहे हैं। कोरोना को डर खत्म करने की बजाय इसमें क्षेत्रवाद की चुनावी फसल काटने की चलन सफल हो गया है।
तो राज्यों के बाड़े में बंदी युवा देश की सीमा की रक्षा कैसे करेंगे? ये आपकी आर्टिकल था कोरोना से ही लगभग संबंधित। ठीक है।